अरे 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 मेरे साथ जाएगा क्या? हाँ। क्या क्या नाम है? मेरा रितेश। रितेश देशमुख जानता है? हीरो है? नहीं। ये कुशलगढ़ का रास्ता यही है, सीधा जाएगा ना? सो ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रोड। मुझे लगा था कि कच्ची सड़क मुझे मिलेगी वहाँ तक जाने के लिए, बट दिस इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। गाँव की फीलिंग आ रही है एकदम मस्त वाली। कौन बताएगा अभी किधर जाना है, चलो किसी से पूछ लिया जाए। ये डमाली शासकीय प्राथमिक विद्यालय। अब यहाँ से दो रास्ता है, एक इधर और एक इधर। अब किला किधर जाएगा तो किसी ना किसी से तो पूछना ही पड़ेगा। सर जी नमस्कार। नहीं 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 सर, तुरंत निकल ही रहा हूँ मैं। दरअसल दो रास्ते हैं यहाँ पर, तो कुशलगढ़ जाने का रास्ता कौन सा है? सीधा क्या? अच्छा चलो बैठो बैठो सब। पहले पता होता तो सबके लिए चॉकलेट लेके आता। थैंक यू, देखता हूँ मैं जल्दी आता हूँ। अरे 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 मेरे साथ जाएगा क्या? चलो यार अब मेरे को निकलना है ना। हो गया बस, अब साथ में नहीं लेके जा रहा मैं। यह है गांव का असली माहौल, एकदम ग्रीन हरियाली। सामने से आपको फोर्ट दिख रहा है, सो हम उसी फोर्ट के अंदर जाने वाले हैं। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान। इसका गेट में भी उस साइड से है। क्या यही गेट है? यस। इसका टिकट वगैरह कुछ है क्या? अरे यार जो आपकी इच्छा वो दे देना। सो गाइस फाइनली आई हैव रीच्ड टू कुशलगढ़ फोर्ट। और ये कुशलगढ़ फोर्ट बहुत ही एकांत जगह पर है, बहुत ही अंदर है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस जगह पर आने के लिए, लेकिन जैसा कि आप यहाँ बोर्ड में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी लिखा है आप एक बार थोड़ा रोक कर आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा आप लोग यहीं रहते हैं दिन के समय? शाम को 6 बजे तक रहते हैं। 6 बजे तक रहते हैं। अच्छा सही, अच्छा है। पानी वगैरह ये पेड़ पौधे आप ही लोग देखते हैं? नहीं ये घास काट काट को ये साफ कर रखा मैंने, ये काटता रहता हूँ, सफाई भी करता रहता हूँ। वो बड़ा बड़ा घास इधर भी। अब एक काम करना है, ये पानी लेके यहाँ जाएगा। ठीक है। और फिर बाद में हमारी चाय पी के जाना घर पे पास में। कहाँ पर है घर आपका? ये इधर लेकर आ मैंने। ऐसा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोला है तो जरूर पियेंगे। अच्छा यहीं से स्टार्ट करना है। यहीं से ठीक। सबसे पहले हम इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वहां चलते हैं। है ये ऐसा किले के चारों कोनों में ये इस तरह का गुंबज है, इसको वॉच पॉइंट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ ये मेन गेट की तरफ में ये बड़ा विंडो है, और उसके अलावा
यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी पैक हो गया है, कुछ ओपन भी होगा, जैसे ये ओपन है। तो यहाँ से बंदूक चलाने या तो अटैक करने या गोलाबारी कुछ भी करने के लिए इस पर्टिकुलर होल का इस्तेमाल किया जाता था पहले समय में। ये आपको दीवारों में हर एंगल में थोड़े थोड़े डिस्टेंस में आपको देखने को मिलेगा। गाइज़, ये जो आप दीवारें देख रहे हो और ये जो पत्थर के चबूतरे बनाए गए हैं, ये अभी भी इंटैक्ट है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ पर जो चौकीदार है, जो भी देख रेख करने वाले, उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि ये सिटी से काफ़ी अंदर है, उसके बावजूद इसकी जो हालत है बहुत काफ़ी हद तक बरकरार है। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कितना सुंदर लग रहा है, पीछे पहाड़ी है और अंदर में कुछ फूल के पौधे लगे हुए हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो होल्स हैं, इनको यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें तीन डिफरेंट चैनल्स हैं। ये सबसे पहला जो एकदम एंगुलरली नीचे अटैक करने के लिए है, देन लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेट बाहर की तरफ है, और यहीं से राइट साइड में भी एक स्ट्रेट बाहर है। तो ये ऐसे ये तीन टोटल यहाँ पर चैनल्स हैं जिसके थ्रू ये अपने डिफेंस में यहाँ से अटैक कर सकते हैं। ये सिमिलर पैटर्न में चारों कोनों में इस तरह से ये गुंबद बनाया गया है, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये एक और सेक्शन है जो सेंटर में है, और यहाँ पर भी ऊपर चढ़ने के लिए कुछ दिया है, देखते हैं क्या है। ये यहाँ पर कुछ जलाने के लिए है या किस पर्पस से है या कुछ गाड़ने के लिए है पता नहीं, बट सेंटर में एग्जैक्टली यहाँ पर दो छेद है ऐसा हॉलो। ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ अंडरग्राउंड सेफ हाउस की तरह कुछ दिख रहा है, और मेरी आवाज़, मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी मुझे गूंजती हुई सुनाई दे रही है यहीं से। इधर है कुआं, बहुत बड़ा कुआं, और ये ऊपर इस तरह से कवर्ड है। तो अगर हम थोड़ा सा ये खोदा गया है, ये जो किला है
लगभग 2 एकड़ में फैला है, 2 एकड़ का एरिया है इसका। और ये कुछ बच्चे आए हुए हैं, दौड़ा भागी कर रहे हैं। गिर जाओगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे तुम लोगों के। हाँ, और उधर मत दौड़ना, वहाँ पे कुआं है नीचे, देखा है ना? हाँ, उसमें गिरोगे तो फिर कोई नहीं बचाएगा। कहाँ से आ रहे हो? गुवाड़ी से, अभी स्कूल से आ रहे हैं। अच्छा, यही आसपास के गांव के हो क्या? हाँ। कौन से गांव से? गुवाड़ी। गुवाड़ी। हाँ हाँ। क्या क्या नाम है? मेरा रितेश। रितेश देशमुख, जानता है? हीरो है? नहीं। तुम्हारा? राकेश। राकेश, राकेश क्या? आगे राकेश के आगे? राकेश बाबर। अच्छा, राकेश बाबर। ये रितेश। राजेंद्र गावर। राजेंद्र। और अमन बाबर। अमन। अंकित बामने। अंकित। अर्जुन खराड़ी। अर्जुन खराड़ी। और राज बामने। राज। विशाल बामने। विशाल। चलो भाई, तुम रोज आते हो क्या इधर? नहीं। दौड़ भाग करने, कूदने? हाँ, रोज। ये नहीं बोल रहा है, ये हाँ बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। कौन कौन सी क्लास में हो? साथी, आठवीं। पढ़ाई होती भी है कि जाके खाना खा के भाग जाते हो? होती है, होती है, होती है? हाँ। आज क्या पढ़ाया था? आज सवाल करवा लेते थे सर, अभी आधी छुट्टी। जल्दी करवा दी क्या आज? आज अभी तो 3 ही बजे, 4 बजे होती ना छुट्टी। आज जल्दी हो गई? नहीं, अच्छा लंच हुआ है क्या? कितने दूर है स्कूल? अच्छा, ये जस्ट बाजू में जो बस्ती है वो है क्या? चलो ठीक है। यहाँ के बारे में जो मैं हिस्ट्री बता रहा था आपको, ये जो किला है, ये कुशल सिंह राजपूत, एक यहाँ के लोकल जमींदार हुआ करते थे, उन्होंने ये किला बनवाया था। और उसके बाद इसका इस्तेमाल अहिल्याबाई ने, जो तुकोजी राव होलकर के प्रथम, उनके जो बेटे थे मल्हार राव, उन्होंने जब विद्रोह किया था, विद्रोह मतलब रिवोल्ट, तो जब उन्होंने रिवोल्ट किया था तो यहाँ पर उनको 3 महीने के लिए कारावास में या बंदी गृह में रखा गया था। और उसके बाद में यहाँ पे जो की हिस्ट्री अगर देखें तो पिंडारी हुआ करते थे, तो पिंडारियों ने भी इस पर्टिकुलर किले का इस्तेमाल किया था। ये चौकोन टाइप का है, आयताकार है, और चारों कोनों में इसके दुर्ग हैं, गुंबज है, फोर्ट जिसको कहेंगे हम, तो चारों कोनों में है प्रोटेक्शन के लिए, जहाँ पे सैनिक खड़े होके नीचे बमबारी कर सकते हैं या अटैक कर सकते हैं। एक ही दरवाज़ा है फ्रंट उधर। तो ये ओवरऑल यहाँ की कहानी है। आपको ये जगह कैसी लगी? पसंद ज़रूर आई होगी। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, रिटर्निंग के टाइम पे हम जाने वाले हैं एक और वाटरफॉल। अब वो कैसा होगा मुझे नहीं पता, बट हम विज़िट करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा है। तो हम अभी आ गए हैं कुशलगढ़ से वापस, और लास्ट टाइम हमने मेहंदी कुंड देखा था, अभी हम बामनिया कुंड देखेंगे। हम वापस उसी रास्ते पर आ गए हैं जो हम फर्स्ट सेशन में, जो फर्स्ट हाफ में आपने देखा होगा, मेहंदी कुंड गए थे, तब ये वही रास्ता है। रास्ते में हल्का सा एक डाइवर्सन है, वहाँ से अगर हम लेफ्ट लेंगे तो हम बामनिया कुंड जो वाटरफॉल है वहाँ पहुँच जाएंगे। यही वो डाइवर्सन है। इस तरफ से जाएंगे तो ये मेहंदी कुंड है, इधर से जाएंगे तो ये बामनिया कुंड जो है उस तरफ हमें लेकर जाएगा। ये तो बड़ा ही खतरनाक था यार, गोली होती जा रही गाड़ी ब्रेक दबाने के बावजूद। अरे
जबरदस्त कुंड। कौन सी साइड है भाई? यही वाला है क्या? ये वाला पानी जाके गिरता है क्या? भाई इधर तो खाई ही खाई है, जहाँ देखो वहाँ खाई है, खतरनाक वाली खाई है। वेल, यहाँ पर कुछ लोग हैं तो मुझे चिंता करने वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा था कि मैं अकेला पड़ जाऊँगा। गाइज एंड फाइनली वी आर बैक टू बमनिया वाटरफॉल। लास्ट टाइम हम जो फर्स्ट हाफ में जिस वाटरफॉल में गए थे वो वाटरफॉल था मेहंदी कुंड, और ये है बमनिया कुंड। दोनों काफ़ी आसपास में है, विदिन अ किलोमीटर है, लेकिन दोनों का जो जॉर्ज है या जो खाड़ी जिसको कहेंगे, जो वैली है, ये दोनों की अलग अलग है। बमनिया कुंड इस तरफ पड़ता है और जो मेहंदी कुंड है वो इसके जस्ट अपोजिट साइड में 1 किलोमीटर की रेंज में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी जस्ट शो यू दी बमनिया कुंड वाटरफॉल। हियर वी गो। ये नीचे से देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता होगा। यहाँ पर नीचे पानी का जमाव भी है, मतलब लोग नीचे जाकर बेशक नहाते धोते या तो एंजॉय करते होंगे, क्योंकि मैं यहाँ से देख सकता हूँ उस जगह से ऐसा घूम के वहाँ से नीचे आने का रास्ता है। फिलहाल तो हम नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वहाँ से नीचे आने का रास्ता है। फिर कभी अगर टाइम मिला वेल प्लानिंग के साथ आएंगे विद पिकनिक पर्पज़ के लिए, तो मैं आपको इस जगह की जो नीचे का व्यू है वो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। फिलहाल जो ऊपर स्पॉट है वहाँ जाता हूँ, थोड़ा सा मुंह वगैरह धोएंगे। यहाँ पर लंगूर भी हैं, बस मेरा मोबाइल नहीं लेके जाएं। और यहाँ पे है ना, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ के जितने भी पत्थर हैं ना, ये काफ़ी स्लिपरी हैं। स्लिपरी तो नहीं कहेंगे, ये मतलब लुढ़कने वाले हैं, बहुत जल्दी जूते स्लिप होते हैं। तो आप अगर यहाँ पर आएँ तो ऐसे जूते पहनकर आएं जो एंटी स्लिप हों, जिनका ग्रिप अच्छा हो। यहाँ लाल मुँह वाले लंगूर भी हैं, और अभी थोड़ी देर पहले काले मुँह वाले थे ऊपर की साइड में। उनकी टेरिटरी बटी हुई है। ये जो आपको कुंड दिख रहा है ना, कहने के लिए तो फ्लैट है, और इसके बाद में ये एक और जो बड़ा वाटरफॉल है इसके बाद में नीचे पानी गिरता है। तो ये फर्स्ट वाटरफॉल है जो छोटा सा है, और ये जो आप देख रहे हैं कुंड है, ये मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि इसकी जो डेप्थ है काफ़ी ज़्यादा है। एकदम हरा हरा दिख रहा है, और डेप्थ को आप यहाँ से अपनी आँखों से फील कर सकते हैं कि काफ़ी गहरा है। कैसी लगी ये जगह? अभी बैकग्राउंड में जो जगह है ये है बमनिया कुंड वाटरफॉल, और सबसे पहले जो कुंड हम लोगों ने देखा था, सबसे पहला जो वाटरफॉल देखा था वो था मेहंदी कुंड वाटरफॉल, जो कि यहाँ से
महज 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, दोनों आसपास में हैं और दोनों के दोनों ग्रीनरी से सराउंडेड हैं। आपका दिल खुश हो जाएगा आप जब यहाँ आएंगे। और इसी बीच में हम गए थे कुशलगढ़ फोर्ट में, और कुशलगढ़ फोर्ट भी बहुत ही अच्छी जगह पर है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, हरियाली है, और वहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप फैमिली के साथ में पिकनिक प्लान कर सकते हैं, बच्चों को ले जा सकते हैं, क्योंकि वो जगह इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत सेफ है। और इसी तरह के मैं आने वाले समय में मेरे चैनल में मैं वीडियोस डालता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो के बारे में मिलते रहेंगे। और ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक करें, किसी के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चालू भी है कि नहीं रे? चालू है ना? चालू है, चलो बहुत बढ़िया।